गल करते हैं जगराओं तारावाई रोड लाला लाजपत राय डी ए वी कॉलेज की एक ग्राउंड आ जिन्हों की मॉर्निंग वाक क्लब जो कि शहर के पतवंत सज्जना ने बनाया हुआ है इतने चार साल तक अडोप्ट किया हुआ और ये देखभाल करते हैं। लॉकडाउन दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहन करके ग्राउंड की हालत काफ़ी खराब हो गई थी। मॉर्निंग वाक क्लब ने यह बीड़ा चक्या कि असी इस ग्राउंड को हम बिल्कुल हरिया भरिया करांगे। उन्होंने अपनी जेब चो पैसे ला के इसके वधिया बूटे फलदार शानदार ते फुल्लां वाले लगाए हैं। आओ तुहानू बुलाउंदे हां क्लब के मैंबर नाल कि की है सारा ग्राउंड का माजरा उन तुहाडे सामने पेश करते हैं। मॉर्निंग क्लब का मैंबर इतने तकरीबन 10 साल तो इस आ रहे ग्राउंड जी। ये ग्राउंड की हालत जी पहले बहुत ही खराब थी। हौली हौली असी जो इस जो है काफ़ी असी इस मेहनत की है यदि सफाई करवाई है। हूँ तुम अज देखो अज भी जो है सफाई चल रही है इस देते असी काफ़ी पैसा खर्च भी किया है जो है। हालांकि कॉलेज ने भी पैसा काफ़ी लगाया सी पहले शुरुआत में पर हुण हालात तो ठीक नहीं सी कॉलेज के इस करके जो है मॉर्निंग क्लब ने पैसे इकट्ठे करके जो है इस उत्ते काफ़ी वैसे सर अपने कॉलेज के सहयोग नाल नाल हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सहयोग के नाल जो कॉलेज के सहयोग होर की काम करते हो अभी मॉर्निंग वॉक क्लब होर की करती है जी शहर वासियों की सोशल वर्क होर किस तरह के काम करती है जी। नहीं असं देखो जी जिते भी सूँ लगता वा जिमें कि सफाई होनी चाहिए इतने सफाई कराई दी है शमशान घाट दे सी शमशान घाट दे सी जो है बस सफाई करवाई है काफ़ी जो है उसे बूटे बट्टे लगवाए बहुत बढ़िया तरीके बूटे लगवाए रोक लगो मॉर्निंग क्लब वालों मैं मॉर्निंग क्लब का प्रधान होने के नाते जी एक जिम्मेवारी भी समझदा है भी ये जी ग्राउंड है एक वरदान है साढ़े शहर वास्ते साढ़े शास्त्री नगर वास्ते खास करके जी भी इस चीज़ का सानू वध तो वध फायदा उठाना जाना चाहिए है क्योंकि बीमारियां ने इन्ना इंसान को अच्छे झोड़िया पिया है करोना लै लो वो लै लो वो लै लो तो मतलब इन्ना इंसान जाने के जड़ा ऑक्सीजन आ दिनों दिन ही घटी जाती है साढ़ा यह फर्ज बनता भी वध तो वध असी आपके बूटे लाइए तो ऑक्सीजन आप वध तो वध पैदा करिए। मेरा ख्याल आ भी इंसान जो ये दुनिया तो जाता है वो कम से कम पौने पांच माणा कहिंदे लकड़ पैंदी है तो हर एक इंसान अपने वास्ते दो बूटे जरूर लाने चाहिए ने कम से कम इंसान अपना तो अरेंजमेंट करे ना। इन्ना मैं कहना भी ये जी ग्राउंड है ये साढ़े मतलब शहर में इन्ना यदा फायदा है इन्हें बच्चे खेलते सोहने लगते हैं बी मन खुशी हो जाती है बी जो ये ग्राउंड के आने सवेरे असी इस चीज़ यू असी माँ समझते हैं अपनी बी सा ये माँ वा ग्राउंड क्योंकि सानू ये ऑक्सीजन दी है असी सैर करते हैं असी डॉक्टर के कोल असी लखा रुपये ला के इलाज करवा जाने असी उ कहने भी साडा बंदा बचा लो जी कि बीमारियां करके असी जाने ना उसको भी असी जो ग्राउंड में इन्ना वधिया बना दिए भी किसी बीमारी होवे ना तो लोग सवेरे उठ के 5 बजे आन साढ़े 5 बजे आन तो अपने 2-2 घंटे सैर कर किसी डॉक्टर को जाने की लोड़ ना पवे तो मेरी यही बेनती है भरावो पातो साहब किस मसले में लेके ताराली ग्राउंड इकट्ठे हुए जी। असी जैन साहब 3-4 साल तो साढ़े मॉर्निंग वॉक क्लब बनी हुई है तो 3-4 साल तो ही असी ग्राउंड की सांभ संभाल करते आने हैं। कॉलेज वाले भी आपदे जिन्ने जोगे है उन्होंने सहयोग करते पे है कॉलेज का सहयोग भी है इस गल पहला उन्होंने ही शुरुआत की सी पर चलो लॉकडाउन समझ लो जा स्टूडेंट बाहर जाने लग गए कॉलेज की हालत थोड़ी जी फाइनैशियल तौर पर मंदी पै गई करके उन्होंने थोड़ा जि मुश्किल आती सी। फिर असी जिंदरपाल धमान जी ने साढ़े वह प्रधान ने मॉर्निंग वॉक क्लब के असी सारे ने फैसला किया बई आप मॉर्निंग वॉक क्लब बना के तो इतने ग्राउंड में अडोप्ट करिए एक तो भी चलो घट्टो घट सामभ संभाल तो होंगी रहे क्योंकि ये ग्राउंड ही शास्त्री नगर वास्ते एक तरह जीवन रेखा वा जी। इतने हुण खास करके हुण करोना के मौके यह लॉकडाउन रहा तो ये करके बंद हो गई तो ग्राउंड बंद सी बंद होने करके कुछ बरसात का मौसम सीगा इतने इन्हें एक तरह जंगल का रूप ही धारण कर लिया सीगा। फिर साढ़े शास्त्री नगर निवासियों ने साड़ी मॉर्निंग वॉक क्लब ने यह फैसला किया भी आप जिमें भी हैगा वा इस ग्राउंड की सामभ संभाल जी आप करिए इतने जो भी घा वगैरह है ज नवे बूटे लाने है वह लाए जाए
उस दे तहत ही फिर साडी क्लब वालों मॉर्निंग वाक क्लब वालों इत्थे तरह तरह के बूटे भी लाए गए आ, साफ सफाई भी की गई आ, और आह ट्रैक्टर चल रहा है जो ये भी ला के घा वढ़ के चंगी तरह की कटाई करके वधिया ढंग ने भी ट्रैक वगैरह बनाया है। तो परले कॉर्नर के उत्ते भी उत्थे असी तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये ला के कूड़े का डंप ही सीगा वो उसे उन्होंने डिवेलप करके तो उत्थे असी घा वगैरह ला के बई यदि दिख वधिया लगे ग्राउंड की उस असी लगे हुए हैं। कॉलेज वाले ठीक है भी साढ़े सहयोग करते पर उन्होंने मजबूरी है जी, उस करके फिर असी सारा सिस्टम बनाया है। ये साढ़े शास्त्री नगर निवासी भी सहयोग कर रहे हैं, मॉर्निंग वाक क्लब के जोड़े मैंबर आ वो भी कर रहे हैं, कुछ एन आर आई वीर भी कर रहे हैं, खास करके साढ़े लुंबा साहब जो अमरीका च ने टाइम टाइम पर साड़ी मदद करते हैं। मैं फिर भी इस चैनल के जरिए थोड़े जरिए लोगों को अपील करना चाहना खास करके शास्त्री नगर निवासियों भी तुसी मॉर्निंग वाक क्लब के मैंबर बनो, लोग तो पार्क लभदे आ ग्राउंड लभदे आ, आपां कॉलेज वालों यह मुफ्त दे विच मुहैया कराई गई है ते आपां इत्थे वध तों वध योगदान देईए वध तों वध सेवा दे विच भागीदार बणीए। इन्नी मेरी बेनती आ सारे महला निवासियों सारे शास्त्री नगर निवासियों चाहे शहर निवासियों मैं ये कहना चाहना है क्योंकि इत्थे सुबह आओ एक्सरसाइज करो वधिया माहौल हैगा वधिया पोल्यूशन तो फ्री आ ये तो सारे आपकी सेहत बनाओ तंदुरुस्त रहो खुश रहो। पर साहब किन्ने क लोग सैर करवाउंदे इत्थे डेली? तकरीबन 100 बंदा आ जाता, लेडीज एंड जेंट्स तो बच्चे पाक ने 100 बंदा आ जाता सुबह शाम। तो जरा सफाई अभियान चलाया किन्ने दिन तो चलाया जी? तकरीबन टाइम टाइम तो चलता भी रहा वा ये, पर हूँ असी लगातार एक हफ्ते तो चलाया वा, हूँ 3-4 साल तो असं यह मतलब कर रहे हैं जी देख रेख। ओके ठीक ठीक। हाँ जी गुप्ता जी, मॉर्निंग वॉक क्लब वालों की कहना चाहोगे? ये जी क्लब है जी साढ़े लिए वरदान है इस टाइम जिहड़ी आ हुण इस टाइम बीमारी चल रही है करोना की, इहदे दौरान जी बहुत क्लब तो फायदा उठाया जी, इस जिहड़ी साडी क्लब है इहने सानू डॉक्टरां तो बचाउण लई साडी बहुत हैल्प कीती है जी, सवेरे आने हैं शाम नू भी आने हैं, बैडमिंटन की गेम लाई जाती है इत्थे, होर बहुत गेमां जी खेलदे हैं, उहदे करके साडा शरीर जिहड़ा तंदुरुस्त रहिंदा। सानू इही है शहर वासी आं शास्त्री नगर मेन साडी कोई बहुत वधिया जगराओं च ग्राउंड है जिदे करके जी इस टाइम ये दिनों पूरा आपदे मनो काम करके इनू सही रखते हैं। साडा इको ही निश्चय है भी सारे बंदे शास्त्री नगर के उरे आके आपदा सेहत नू सही रखो। लॉकडाउन दौरान भी तुसीं आंदे रहे इत्थे? बिल्कुल आंदे रहे जी, जिदे करके साडा कॉलेज ने बड़ा सहयोग दिता अजी, उस प्रिंसीपल साहब दे बहुत शुक्र दिलों गुजार है कि सानू उन्होंने उरे आने की इजाजत लैके दी, एस डी एम साहब ने भी साडा बहुत सहयोग दिता जिहदी करके जी इत्थे आ के आपदा शरीर नू बिल्कुल तंदुरुस्त रखिया, जिहदे करके जी आपदा सेहत का वजन भी घटाया। मैं ये गल दा दावेदार है कि मेरा जिहड़ा वजन है 7 तों 8 किलो इत्थे 2 महीनों के आते घटिया। किन्ने सालों तों आ रहे हैं इत्थे गुप्ता जी? आन तां साडी जिंदगी लंघ गई जी, इत्थे पहलां जी इत्थे ही रहिंदे सी जी, साडा नाले नेड़े घर है, पर फिर भी अजी हुण साल 2 साल तो इतों रूटीन च आ रहे हैं। सर जिवें न्यू जनरेशन अपने नशे में जा रही है या होर पुठे कम्मां लग रही है उन्हां वास्ते तुसीं कुछ कर रहे हो? यही साडी एक सिक्ख्या वा भी उरे आओ सारे दे भाई भरा उरे आंदे आ, दो गल्लां सुनाओ दो गल्लां करो साडे नाल बह के, इस क्लब दे मैंबर बनो जिहदे नाल इह क्लब साफ सुथरे काम करे। उहदे नाल कोई शरीरक फिटनेस दे प्रति कोई काम कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल जी, जदों तुसीं क्लब च उरे आओगे तुहाडी अपने आप मन करूगा उरे आउण दा कि मैं जावा गेम लावा बैडमिंटन खेलना, होर उरे बहुत गेमां बच्चे खेलते हैं, फुटबाल खेलते हैं, वालीबाल की टीम भी खेली जाती है उरे, वो भी बच्चे आते हैं शाम को। चलो इन्हें कह के मैं शुक्रिया करदा जी, थैंक यू, धन्यवाद।